तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो क्या वेट कर रहे हो, जाकर चेकआउट कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको सुप्रीम गॉड एम्परर या फिर द ड्रॉइंग जिंगहुआ या फिर द मैजिकल लेजेंड का एपिसोड देखना है, या फिर द लेजेंड ऑफ ड्रैगन सोल्जर, या फिर द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, या फिर द एंशिएंट लॉर्ड का एपिसोड देखना है, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है उन सबको बहुत ज़्यादा ही पकाने लगता है। तो ये देखकर वो फैटी बोलता है कि रहने दो, मुझे पता चल गया कि तुम क्या करना चाहते हो। तो ये सुनकर वो बंदा जो है अपना तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी जो हम देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये देखकर वो उल्लू उससे पूछते हैं कि आखिर में तुम्हें क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि वो दुकान का जो वाइन था उसमें कुछ गड़बड़ी था। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है उन सबको बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, और वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उन लोग जो आपस में बात करने लगते हैं कि ये बंदा अच्छा है, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा ही बकबक करता है। तो सब लोग एग्री होते हैं इस बात पर। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा जो है एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपना कपड़ा सही कर रहा था। और फिर तभी वो जो उछल के एक कबूतर को पकड़ लेता है, कबूतर से एक लेटर निकालता है। लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने जो है किसी बंदे को भेजा है, तो तुम जो है संभाल लेना। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये जो है एक जासूस है, एक स्पाई है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर से जो है वही लड़की और जनरल सियाओ गुजरते हैं। तो ये देखकर वो छुप जाता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो डार्क रिवर्स से आया हुआ बंदा और गूफ फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। और उनका एक अटैक जो है बाइडोंग को लगते लगते बचता है। तो बाइडोंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है उन पर। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर उस पर अटैक कर रहा था और उस पर भारी पड़ रहा था। तो ये देखकर वो डार्क रिवर का बंदा बोलता है कि क्या यंग मास्टर मुझे मारना चाहते हैं। तो वो यंग मास्टर बोलता है कि नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि डार्क रिवर के बंदे सिंसियर रहते हैं, और अगर तुमको जो है ज्ञान फ्रैक्शन में जगह चाहिए तो तुम्हें जो अपना सिंसियरिटी प्रूव करना होगा। तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो बोलता है कि अगर ऐसी बात है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उस पर अपना कोई टेक्निक का यूज करके अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो सारे शॉट से बहुत ज़्यादा आसानी से बच जाता है। तो ये देखकर वो पर्सन फिर से कोई टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग शॉट क्रिएट करता है और उससे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर उससे भी बच जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर देखता है कि आसमान ने बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट किया हुआ है। वो बंदा बोलता है कि क्या अभी भी यंग मास्टर फाइट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि यंग मास्टर जो है तैयार हो जाता है, और फिर वो जो उसी शॉर्ट बॉडी को फॉर्म कर लेता है जो कि इसके ब्रदर ने फॉर्म किया था फर्स्ट एपिसोड में, आप लोगों ने देखा होगा। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो पर्सन जो अपने शॉर्ट को और ज़्यादा लाइटनिंग से पावरफुल बना लेता है, और फिर वो जो उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है शॉर्ट बॉडी का यूज करके अपने आप को बचा रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन जो है उस पर बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक से अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो अपना शॉर्ट बॉडी का यूज करके उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको रोकने में नाकामयाब हो जाता है और वो जो है बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो डार्क रिवर का पर्सन है वो उस पर अपना तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है कि देखो, तुम्हारा जो स्वाद बॉडी है वो तुम्हारा एनर्जी को बूस्ट कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने जो है उसको मास्टर नहीं किया है। और डार्क रिवर वाला पर्सन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जो कभी भी डार्क रिवर के साथ काम करने का सोचोगे। तो ये सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरा भाई का मरने के बाद मैं पागल हो गया हूँ तो क्या तुम मेरा मदद करोगे। तो हम देखते हैं कि वो पर्सन जो है अपना स्वॉर्ड को कलेक्ट करता है और उसको जो है वहाँ पर जमीन में गाड़ देता है। अब बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें जो है डार्क रिवर का कोई मदद चाहिए होगा तो तुम जो इस स्वॉर्ड को इस जगह से बाहर निकाल के बाहर फेंक देना, और डार्क रिवर जो है वहाँ पर अपीयर हो जाएगा तुम्हारा मदद करने के लिए। और वो बोलता है
कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने जब मुझे फोर्स क्यों किया अपना सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। तो यंग मास्टर बोलता है क्योंकि मैं फाइट करना चाहता था ताकि मैं अपना गुस्सा किसी पर उतार सकूं। अब फिर हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगता है। तो ये देख कर यंग मास्टर उसका नाम पूछता है तो वो जो है अपना नाम सुयु बताता है। हम देखते हैं कि वो वहां से गायब हो जाता है। तो ये देख कर सुली आ जाता है और वो यंग मास्टर को बोलता है कि मास्टर इसने अभी क्या कहा। तो ये सुनकर यंग मास्टर बोलता है कि जो हमारा एनिमी है ताकतवर बनते जा रहा है तो हम लोग को जो है अलायंस बनाना पड़ेगा उनसे फाइट करने के लिए। और फिर तभी वो अंदर जाने लगता है वाइन पीने के लिए। तो ये देखकर गुली बोलता है यंग फैमिली से उसकी यंग लेडी आई हुई है मैरिज के सिलसिले में। तो हम देखते हैं कि यंग मास्टर जो है उस बात को इग्नोर करके अंदर चला जाता है और हमारा सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि बाइडोंग और उसका दोस्त जो है बाहर आ जाते हैं गु फैमिली के रेसिडेंस से और बाइडोंग जो है बाहर आते साथ गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।